नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 6 दिसंबर। अपने वादे के अनुसार आज से यानी कि शुक्रवार से एक बार फिर से हम गिव अवे 6 यानी ब्लूटूथ स्पीकर देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आज के गिव अवे का सवाल हमारी आज की वीडियो में से ही होगा, तो आप इसे पाने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार को एनएच परियोजना के लिए मिले 2800 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार के एनएच परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ की राशि आवंटित की है। यह राशि बिहार सरकार को मार्च 2020 तक पीएम पैकेज के तहत दे दी जाएगी। वहीं रुके हुए परियोजनाओं पर भी काम जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 8000 करोड़ की राशि की मांग की थी, मगर सरकार ने अभी बस 2800 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। नवादा के नारद संग्रहालय में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा का यह संग्रहालय पूरे बिहार में पटना के बाद दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। यह वर्ष 1973 ईस्वी में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राएं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजू श्री, गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा यहाँ उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई हैं। कौवाकोल के देवनगढ़ से लेकर हिसुआ के सोनसा, अपसर, पार्वती, रजौली से प्राप्त हुई कई प्रतिमाएं रखी गई हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली के तहत सिवान पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही साथ सभा को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। इसी दौरान सबसे अहम मुद्दा रहा जनसंख्या नियंत्रण का। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर बिहार की औरतें प्रशिक्षित होंगी तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक शोध में यह पाया गया है कि मैट्रिक पास महिलाओं का प्रजनन दर 2% है, वहीं इंटर पास महिलाओं का प्रजनन दर 1.6% है। मानव श्रृंखला में छोटे स्कूली छात्रों के लिए अहम संदेश। जल जीवन हरियाली के तहत बन रहे मानव श्रृंखला को लेकर डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने यह साफ ऐलान कर दिया है कि इस मानव श्रृंखला में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो 19 जनवरी 2020 को अब तक के सबसे लंबे मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता फैलाना होगा। संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के वेतन की राशि हुई जारी। संस्कृत विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने सभी संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। ज्ञात हो बिहार में कुल मिलाकर 47 संस्कृत विद्यालय हैं, जिन्हें अब जल्द ही उनका वेतन राज्य सरकार दे देगी। आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक देना होगा अपना संपत्ति ब्यौरा। बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों पर अब राज्य सरकार सख्ती दिखाने जा रहा है, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से यह साफ कह दिया है कि वो 31 जनवरी 2020 तक अपनी आय और संपत्ति से जुड़े सारे दस्तावेजों को जल्द से जल्द सरकार को सौंपे। ज्ञात हो सरकार के इस निर्देश के बाद अब सभी बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को अपने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा। ड्रोन कैमरा से प्रेरणा लेकर अब हवाई जहाज बनाने में जुटा युवक। यह वाक्या बिहार के सिवान जिले का है, जहां का एक युवा ड्रोन कैमरा से प्रेरणा लेकर हवाई जहाज बनाने में जुट गया है। सिवान के गुठनी प्रखंड के खड़ौली गांव का पवन कुमार आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सका, लेकिन आम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। फिलहाल वह बेंगलुरु में एक वर्कशॉप में लेथ मशीन पर काम कर रहा है। इसी दौरान उसे ड्रोन से हवाई जहाज बनाने का ख्याल दिमाग में आया, जिसके बाद वह अपने ख्याल को वास्तविकता में बदलने में जुट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जुटे हैं, जिसके तहत उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पर्यावरण संबंधी चौतरफा काम करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अब जल जीवन हरियाली अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसके तहत आने वाले 4 सालों में सरकार इस पर 24,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ज्ञात हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान अरेराज स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करने के दौरान किया है। डोभी गया पटना हाईवे के निर्माण कार्य जल्द हो सकते हैं शुरू। डोभी गया पटना के निर्माण कार्य की उम्मीद एक बार फिर जाग गई है। साल 2020 में सब कुछ ठीक ठाक रहने पर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके बाद सारा काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होते ही इस हाईवे पर गाड़ियों का परिचालन शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। इस हाईवे के निर्माण की जिम्मेदारी 3 कंपनियों को सौंप दी गई है। ज्ञात हो इस हाईवे के निर्माण में 5700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रोफेसर प्रेम मोहन बने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल पदाधिकारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल पदाधिकारी के लिए दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज के रसायन विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को नामित किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बिहार राज्य के 12 विश्वविद्यालय एवं 63 महाविद्यालयों का चयन किया गया, ताकि इस कार्यक्रम में एकमात्र उद्देश्य कि भारत के विभिन्न राज्य के छात्र छात्राओं में एक दूसरे के भाषा, संस्कृति, परंपरा, विरासत, नाट्य और विद्या को समझने बूझने की प्रक्रिया को पूरा कर सके।
अब आइए जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। रामायण सीरियल के राम को कोई कैसे भूल सकता है, एक तो इतना रमणीय पात्र, ऊपर से उस भूमिका को निभाते हुए गुरमीत चौधरी। राम के किरदार से मशहूर हुए गुरमीत चौधरी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। रामायण से मशहूर हुए गुरमीत को अपने एक्टिंग करियर में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे टीवी की दुनिया में जगह बनाने का मौका मिला, जहां गुरमीत ने गीत और पुनर्विवाह जैसे सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। टीवी इंडस्ट्री के बाद गुरमीत चौधरी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी, जहां बतौर लीड एक्टर खामोशिया फिल्म का हिस्सा बने। इस फिल्म के बाद गुरमीत कई और फिल्मों में भी मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आए हैं। जानिए कौन सी ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ेंगी और किसका परिचालन होगा ठप। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भागलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को आने वाले एक महीने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे विभाग ने 19 दिसंबर से 1 फरवरी तक कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 14003 अप मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 1 फरवरी तक नहीं चलाई जाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 14004 डाउन नई दिल्ली मालदा एक्सप्रेस नई दिल्ली से 19 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रभावित रहेंगी। वहीं भागलपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ का परिचालन हफ्ते में 2 दिन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब यह ट्रेन मंगलवार और शनिवार को ही चलाई जाएगी। चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सरकार देने जा रही है कुछ खास। बिहार में सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने राज्य में सभी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले तक का लाभ देने जा रही है, जिसके तहत सभी नियोजित शिक्षकों का तबादला जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा अगले साल से मार्च के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी मिलते ही सभी नियोजित शिक्षकों पर सेवा शर्त नियमावली लागू कर दिया जाएगा। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार में सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षकों के लिए सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत अब सभी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें, यह योजना सभी इंजीनियर और पॉलिटेक्निक शिक्षकों के लिए 1 जनवरी 2016 से प्रभावित होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखकार के लिए 93 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री बीकॉम या बीबीए या अकाउंटेंसी में पीजी डिग्री का होना आवश्यक है। साथ ही हिंदी टाइपिंग स्पीड 4000 वर्ड्स प्रति घंटा होना जरूरी है। वहीं अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एवं दूसरे राज्य वालों के लिए 300 रुपये, जबकि उत्तराखंड राज्य के एससी एसटी पीएच के अभ्यर्थियों को 150 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी www.sssc.uk.gov.in पर जाकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं। बिहार की बेटी ने अपनी प्रतिभा से हासिल किया गोल्ड मेडल। बिहार की राजधानी पटना में दानापुर रेल मंडल में तैनात अंजू कुमारी ने अपने नाम और परिवार के साथ ही बिहार और रेलवे का नाम भी बढ़ाया है। अंजू ने मलेशिया में खेले जा रहे प्रतिभागियों में गोल्ड मेडल जीता है। मलेशिया के कोचिंग सारावाक में आयोजित 21 एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स में अंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अंजू ने इस प्रतियोगिता में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी बहू और दामाद को भी। सभी बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। अब उनके देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे बेटी के सिर पर नहीं होगी, बल्कि अब दामाद और बहू को भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी जितनी की बेटे और बेटी की है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिहार सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अधिनियम 2007 के तहत बुजुर्गों का ख्याल रखने वाले परिभाषा में और ज्यादा विस्तार किया है। संजय सिंह ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता संजय सिंह ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव फैंटेसी में जीते हैं। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना सही नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद का सपना महज सपना ही बनकर रह जाएगा। कमांडो 3 ने 6 दिनों में की बंपर कमाई। कमांडो 3 आपके आसपास के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के 2 दिनों के बाद फिल्म के कलेक्शन में कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा था, मगर उसके बाद ही फिल्म ने अपनी धीमी रफ्तार तेज कर दी है और अब रिलीज होने के 6 दिनों के बाद अब इस फिल्म ने कुल 25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। पहले वीकेंड पर इस फिल्म ने लगभग 18 करोड़ का बिजनेस किया था। याद हो, इस फिल्म में विद्युत जामवाल, अंगिरा शर, अदा शर्मा और गुलशन देवास समेत कई सितारे मौजूद हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,610 रुपये था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,610 रुपये था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,500 रुपये था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.32 रुपये प्रति लीटर था। जाम के कारण गांधी सेतु पुल पर बढ़ गया है दबाव।
राजेंद्र सेतु और कोयलवर पुल पर भारी वाहनों के परिचालन के रुक जाने से लगातार गांधी सेतु पुल पर वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे कि पुल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दबाव बढ़ने से जाम की समस्या भी बढ़ने लगी है। बढ़ती जाम से आम लोगों को पुल पार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों के टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। अफगानिस्तान से टी20 सीरीज हारकर किरोन पोलार्ड की कप्तानी में भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज की टीम, जहां भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी, तो वहीं 2020 टी20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर भारत इस सीरीज में भी कुछ प्रयोग करता दिख सकता है। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं दिन ढलते ढलते आपको ठंड का असर भी दिखने लगेगा। अक्षय सिंह का दुल्हन अवतार वाला फोटो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा और गायिका अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ही एक्टिव रहती है, जहां पर उनकी फोटोज और वीडियोस काफी ट्रेंडिंग भी होती हैं। एक बार फिर से अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जहां वो दुल्हन के भेष में नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, अक्षरा सिंह का यह कोई शादी का लुक नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म का एक सीन है, जहां अक्षरा को दुल्हन का रोल निभाना है। मनोज तिवारी पहुंचे झारखंड। भोजपुरी दुनिया के जाने माने सितारे और दिल्ली भाजपा के सांसद मनोज तिवारी झारखंड में जारी चुनाव का जायजा लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत के लिए भाजपा के कई नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। झारखंड पहुंचकर मनोज तिवारी ने एक कार्यक्रम का संबोधन भी किया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास के कई ऐसे काम किए हैं जो कि कई सालों से पूरे नहीं हुए थे, इसलिए एक बार फिर से भारी बहुमत से भाजपा सरकार को ही वापस लाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गिव अवे 6 के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली योजना पर आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस गिव अवे नंबर 6 यानी ब्लूटूथ स्पीकर को पाना चाहते हैं, तो आपको हमारे द्वारा सेट किए गए कुछ क्राइटेरिया उसको पूरा करना होगा, जिसके तहत अब हमारे वीडियोस को 5500 लाइक्स तक पहुंचाना होगा और साथ ही साथ हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि हम गिव अवे के विजेता का नाम कमेंट के आधार पर ही करेंगे। ध्यान रहे, ब्लूटूथ स्पीकर पाने के लिए आपको लाइक और कमेंट दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।